हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि ईच वन ऑफ यू आप खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। सो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ आज ऑन पेपर, और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 72 आवर्स कैसे रहेंगे आपके पर्सन, क्या फील करेंगे, क्या एक्शन इन 72 आवर्स में आ सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन आ सकती है, एक्शन के पीछे का इंटेंशन भी हम देखेंगे, क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी के लिए भी। सो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं हमारी जो माता जी है उनके आशीर्वाद से। स्टार्ट विद द रीडिंग, हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं एसी को ऑफ कर देती हूँ और रीडिंग शुरू करती हूँ, और देखती हूँ कि नेक्स्ट जो 72 आवर्स होंगे उसमें आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और इमोशंस होने वाली है आपको लेकर। लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। ओके, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, तीन बार दोहराइए और डिवाइन से प्रे करिए इस रीडिंग के थ्रू आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। माता जी की ब्लेसिंग से हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन क्या कुछ फील करेंगे, और अगर एक्शन आएगा तो वो एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे एनर्जी आपके पार्टनर की अगले 72 घंटों की, वो ये है कि कुछ आपको लेकर ना कुछ कुछ खास याद है इस पर्सन के पास। ठीक है, कुछ मेमोरी में है इनके आपको लेकर, बहुत खास है ये याद जो भी है। ये आपकी फर्स्ट मीटिंग हो सकती है, ये कोई फर्स्ट गिफ्ट हो सकता है जो आपने उनको दिया था, या वो फर्स्ट मैसेज हो सकता है, कोई फर्स्ट फोटोग्राफ हो सकती है, या जब फर्स्ट टाइम आप दोनों मिले थे तो आपकी जो खुशबू थी वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर बस गई, दिल में बस गई। मुझे बहुत ज़्यादा ये पर्सन नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हैं और किसी खास स्पेसिफिक चीज को याद करते हुए दिख रहा है। ठीक है, जो बहुत स्पेसिफिक है आप दोनों के बीच में। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी इस रिश्ते को लेकर, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है जैसे इनके अंदर होप नहीं है। होप काफी है, पॉजिटिव ये पर्सन काफी हो रखे है, काफी पॉजिटिव, काफी होपफुल, काफी जैसे होता ना कि एक एनर्जी भर जाएगी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, वो एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, उनको फील होगा जैसे काश हम आज जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में ना होते, काश हमने एक दूसरे पे गिव अप ना किया होता, काश हम दोनों अभी भी साथ होते, हमारे बीच कोई जो भी प्रॉब्लम हुई काश वो ना हुई होती। ठीक है, तो एक रिग्रेट भी फील करेंगे, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कभी मिले नहीं आपसे, और अगर आप दोनों मिले भी हो तो वो एक इंटीमेसी आप दोनों में क्रिएट नहीं हुई है। मे बी उन्होंने आपको टच नहीं किया, उन्होंने आपको फील नहीं किया है, उन्होंने आपको किस नहीं किया है, हग नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन की इच्छा होगी कि काश वो आपको फील कर पाते, काश वो आपको टच कर पाते, काश वो आपको किस कर पाते, या काश वो आपको देख पाते। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ यादें हैं इस पर्सन के पास जिनको ये रीलिव करेंगे। जैसे होता ना कि आपके कोई मैसेजेस है तो उनको बार बार पढ़ना, आपने जब फर्स्ट टाइम आई लव यू कहा था वो मैसेज बार बार पढ़ना, आपकी फोटो है तो उसको बार बार देख, पहली फोटो, कुछ समथिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग। ठीक है, कुछ कुछ तो पहली चीज को लेकर याद मुझे इस पर्सन की अंदर दिख रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, इनको सबसे बुरा अपने बारे में इस चीज को लेकर लगने वाला है कि इन्होंने जब वो आपके साथ थे ना, डेफिनेटली ओवर एग्जैगरेट किया है अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, उन्होंने आपको, अगर आप दोनों पहले सिर्फ, वो आपको सिर्फ अपना फ्रेंड मानते थे, तो उन्होंने आपको उससे ज्यादा दिखाया कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये डिसऑनेस्ट रहे हैं, झूठ बोला है आपसे या ओवर एग्जैगरेट किया है
ठीक है, उस चीज को लेकर इस पर्सन को बहुत बुरा फील होगा कि ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन को नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी बहुत याद आएगी और आपकी प्रेजेंस फील होगी। लिटरली इस पर्सन को ऐसा लगेगा जैसे आप उनके आसपास हो, जैसे आप उनके पास हो, करीब हो, ठीक है, चाहे आप दोनों में कितनी दूरियां क्यों ना हो, इस पर्सन को लिटरली ऐसा फील होगा कि लाइक वी बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, पास्ट में इस पर्सन को आपके साथ डेफिनेटली एक कुछ अलग फील होता था। उनको लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं है, हम दोनों बहुत अलग हैं, हम दोनों की सोच अलग है, हम दोनों का तरीका, तौर तरीका अलग है, हमारे सोचने का तरीका बहुत अलग है। तो पास्ट में इस पर्सन की डेफिनेटली जो सोच थी या जो इनको लगता था कि आप दोनों बहुत अलग हो, ठीक है, बट अब नहीं लगता। डेफिनेटली बहुत एम्प्टीनेस फील होने वाली है इस पर्सन को, बहुत एक एक जैसे खालीपन, कुछ छूट गया, कुछ खत्म हो गया, कुछ कुछ पीछे छूट गया, कुछ रह गया, ऐसा इस पर्सन को फील होने वाला है आपके सिवा। ठीक है, बहुत एम्प्टीनेस फील होने वाली है इस पर्सन को। पास्ट में ये पर्सन ने आपको ऐसे दिखाया जैसे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम मूविंग ऑन, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक, मैं वापस नहीं आने वाला, लेकिन अब वो एनर्जी बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। मूव ऑन होने का तो सोच भी नहीं रहे आपके पर्सन अब। बहुत इंटीमेसी को मिस करेंगे, या तो कभी आप दोनों इंटीमेट हुए ही नहीं हो और वो होना चाहते हैं, या तो हुए हो पास्ट में लेकिन उसको बहुत समय हो गया, नाउ दे वांट टू बी इंटीमेट विथ यू। बेसिकली इनको आपका प्रेजेंस चाहिए, इनको आपको छूना है, इनको आपको टच करना है, इनको आपको फील करना है, इनको आपको हग करना है, ठीक है, आपके कंधे पे अपना सिर रख के सो जाना है। दैट इज वॉट दे आर क्रेविंग फॉर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। इस पर्सन को आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता था, बहुत ज्यादा, जैसे हमें अपने फैमिली के साथ फील होता है। हम उन अपनी फैमिली के सामने हम कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें किसी चीज का कोई डर नहीं रहता, हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पर्सन के सामने जाते हैं, जो हमें जज कर रहा है, तो हम थोड़े से वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, हम थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को नेक्स्ट 72 आवर्स वो याद आएगा कि वो आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते थे आपके अराउंड, कितने कंफर्टेबल थे। पास्ट में इस पर्सन को इस रिश्ते के बारे में बहुत नेगेटिव सोच थी। उनको लगता था आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, आप एक दूसरे के काबिल ही नहीं हो, आप दोनों में कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, या ये रिश्ता ही टॉक्सिक है। बहुत ज्यादा गलत सोच थी इस पर्सन की पास्ट में। डेफिनेटली अगर इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये आपको भुला देंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सोच भी इनकी कहीं ना कहीं गलत होने वाली है। दे विल अंडरस्टैंड वंस एंड फॉर ऑल कि वो आपको नहीं बुला सकते, ठीक है, आपको बुलाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस पर्सन ने आपको पास्ट में ऐसा भी शो किया होगा कि आई एम मूविंग ऑन विथ समवन एल्स, मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर रहा हूँ, या मैं किसी और रिश्ते में मूव ऑन कर रहा हूँ, लेकिन वो दिखावा था, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे, वो सिर्फ आपको जलाना चाहते थे, आपकी रिएक्शन निकालना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इनको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं फील हुआ है आपके जैसा, आपके बाद आपके जैसा कनेक्शन इनको किसी के साथ फील नहीं हो रहा है, चाहे कितना ही खूबसूरत, कितना ही अच्छा पर्सन आपसे इनको मिला हो, लेकिन इनको वो आपसे वो कम ही लगता है, ठीक है। दैट इज द लेवल ऑफ लव दिस पर्सन हैज फॉर यू। अब तो इस पर्सन को बहुत शर्म भी आ रही है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डर भी लग रहा है इनको कि अभी कैसे फेस करेंगे आपको, हाउ विल दे फेस यू नाउ, ठीक है। अब तो मुश्किल है आपको फेस करना, खुद चले गए, खुद डिसीजंस लिए सारे दूर होने के, तो अब कैसे फेस करेंगे आपको, ठीक है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए, जब आपका दिल टूटा, जब वो आपसे बात करने बंद हो गए, जब उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, जब वो आपसे दूर हो गए, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपका दिल टूटेगा, आप हर्ट होंगे। और अब जब वो आपसे दूर हो गए हैं और वो रह नहीं पा रहे आपके बिना, तब उन्हें अपने टूटा हुआ दिल याद आ रहा है। तब क्यों नहीं याद आया उन्हें, जब सच में ही उन्होंने आपका दिल तोड़ा उन्होंने। नाउ दे डोंट नो के उन्हें अपना दिल कैसे जोड़ना है, अपने आप को कैसे ठीक रखना है, खुश रखना है। तब क्यों नहीं सोचा उन्होंने जब वो आपको छोड़ के चले गए, तब तो उन्हें सोचना चाहिए था कि आपको भी तो बुरा लगेगा, आप भी तो फीलिंग्स रखते हो। पास्ट में मुझे लगता है आप पे इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से ब्लेम डाले हैं,
कि तुम मुझे हर्ट करते हो या तुमने मुझे हर्ट किया, सारा ब्लेम आप पे डाल दिया इस पर्सन ने. ठीक है, हम अलग हैं, हमें कभी एक नहीं हो सकते, हमारा कभी निभ नहीं सकता, हमारा कभी यू नो एक कंपैटिबिलिटी हमारी नहीं बन सकती. हमेशा इस पर्सन ने आपको अपने बारे में बुरा फील कराया है, फॉर श्योर, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस. ओके, जितना इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है ना, जितना दिल दुखाया है या जितना आपसे झूठ बोला है, जितना आपको परेशान किया है, मुझे लगता है उतना बुरा कर्मा इस पर्सन को फेस करना पड़ा है. ठीक है, और ये उस चीज़ का एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ, ये मेरा कर्मा था. ठीक है, ये इंसान बहुत सेल्फिश था. इस पर्सन ने कभी आपके बारे में नहीं सोचा. ठीक है, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान अब आपके बारे में सोचने लगा है. ठीक है, इस रिश्ते के बारे में सोचने लगा है, सेल्फलेस हो गया है. पहले ये सेल्फलेस नहीं था ये इंसान. सारी चीजों का ब्लेम आप पे डालना कि तुम लॉयल नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में वो प्रॉब्लम है. हमेशा इस पर्सन ने आपको सिर्फ और सिर्फ यू नो पेन ही दिया है, दुख ही दिया है, परेशानी किया है. मे बी इस पर्सन ने आपको ऐसा भी बोला होगा कि मेरे पास तब कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें यू नो तुम्हारे साथ मैंने रिश्ता रखा, जो कि बहुत हर्टफुल है किसी से कहना. ठीक है, बेसिकली फिलहाल तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में यही फील हो रही है, जहां पे उनको आपका प्यार फील होगा. लिटरली उनको फील होगा कि आप उनसे अब भी प्यार करते हो, आपके अंदर उनको लेकर अब भी चाहत है, डिजायर है, प्यार है. ठीक है, पहले आप सपने देखते थे फैमिली बनाने के, शादी करने के, इनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के, अब ये सपने देखते हैं. लिटरली हम कह सकते हैं कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है, रोल्स रिवर्स हो गए हैं. जहां पे आप थे कुछ कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, अब ये पर्सन उस जगह पे है और उनको फील हो रहा है कि आपको कैसा फील होता होगा. ओके, अब ये लिटरली सपने देख रहे हैं आपके साथ शादी करने के, कैसा लगेगा जब वो आपसे शादी करेंगे, कैसा लगेगा जब वो आपके हस्बैंड या वाइफ बनेंगे. मुझे लगता पास में ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस तो नहीं थे उतने जितने ये शो कर रहे थे आपको, लेकिन अब मुझे वो सीरियसनेस दिख रही है उनके अंदर. उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है, बहुत सीरियस है. अब वो दिखावा ना तो करेंगे और ना तो वो फील कर रहे हैं, अंदर से ही वो बहुत प्यार फील कर रहे हैं अभी आपके लिए. ठीक है, जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके लास्ट नाइट, उसके जो पहली रात थी, उसके पहले की जो रात थी, इस पर्सन ने आपको बहुत मिस किया है, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत मिस किया है. आपके सपने भी इस पर्सन ने देखे हो सकते हैं. ठीक है, और उनको तब रियलाइज हुआ जब इनको आपकी याद आई, जब इनका दिल दुखा, जब इनके हार्ट यू नो कहीं ना कहीं उस उनके हार्ट में कहीं ना कहीं पेन हुआ, तब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या खोया है. यू नो द जेम, आप एक हीरे की तरह हो, उन्होंने एक हीरे को खो दिया. ओके, इस पर्सन के अंदर में काफी मैच्योरिटी, काफी अंडरस्टैंडिंग, काफी पॉजिटिविटी और काफी सही सोच में ये पर्सन अब मुझे दिख रहे हैं. जो भी सोच रहे हैं काफी सही सोच रहे हैं. ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन को कोई तो है यू नो कोई प्रेशर है, कोई बर्डन है, या तो करियर का है या तो फैमिली का है, लेकिन अब उनको फर्क नहीं पड़ता है उन सारी चीजों से. ठीक है, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आप क्या फील करते हो. उनकी प्रॉब्लम्स अब उनके लिए उतनी बड़ी नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स आपकी उनके लिए अब बड़ी है. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक्सेप्ट कर चुके हैं इस रिश्ते को, इस आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को. इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये आपके साथ इंटीमेट होने का ट्राई कर सकते हैं, या ये आपको बोल सकते हैं दे वॉन्ट टू बी इंटीमेट विथ यू. यू नो वो आपको आपके सामने अपनी विश रख सकते हैं कि मुझे इंटीमेट होना है, आई वॉन्ट टू टच यू, आई वॉन्ट टू फील यू, आई वॉन्ट टू बी इंटीमेट विथ यू. ठीक है, ये मुझे ज्यादा एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की. ये आपको जता सकते हैं किस तरह से इनको समझ नहीं आ रहा था, इस रिश्ते का जो इम्पोर्टेंस है वही समझ में नहीं आ रहा था उनको. दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस कनेक्शन. ठीक है, फिर उनको समझेगा कि यू नो
वो आप उनको गलत नहीं समझ रहे थे, वो गलत बिहेव कर रहे थे. आपने उनको गलत नहीं समझा. पास्ट में ये पर्सन आप पे ब्लेम डालते थे ना, तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे, तुम मुझे समझ ही नहीं पाते. लेकिन अब उन्हें समझेगा कि आप उनको समझ नहीं पाते थे, नहीं है, वो खुद ही गलत बिहेव करते थे आपके साथ. आपको जेलस भी फील करा सकते हैं, ठीक है, या आपको ऐसा फील करा सकते हैं जैसे मैं आगे बढ़ गया हूँ, मेरे लाइफ में कोई और आ गया है, यू नो, लेट्स बी फ्रेंड्स. तो ये भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपको जेलस फील करवाते हैं, लेकिन जेलस ही खुद फील करते हैं. उनका इतना ज्यादा जेलस ही उनको फील होती है ना, जिसकी कोई हद नहीं है. आउट ऑफ भाई इतना जेलस ही ये पर्सन फील करते हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. मुझे लगता है पर्सन चाहे जितना ट्राई कर ले, ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे आपसे, ये नहीं भुला पा रहे आपको. उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, बुरा हो अच्छा हो जैसा हो, एक्सेप्टेड, यू नो, मुझे एक्सेप्ट है ये रिश्ता, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट. तुम जैसे भी हो मुझे एक्सेप्ट हो, ठीक है. पास्ट में सिर्फ लोगों के बारे में सोचते थे, फैमिली के बारे में सोचते थे, करियर के बारे में सोचते थे, लेकिन अब ऐसे हो गए ना जहां पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये फैमिली में भी बात कर लेंगे, इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ठीक है. क्योंकि अंदर से ये चीज फील होने वाली है उनको कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, उन्होंने क्या गलत किया आपके साथ, किस तरह से बुरा बिहेव किया, क्या नहीं करना चाहिए था. क्योंकि आपकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही है इस पर्सन को. द लव दैट यू गेव वो नहीं उनको कहीं और मिल रहा है. उनको लगता है वो आपके दिल को हील कर सकते हैं, वो आपका दिल जीत सकते हैं, वो आपका ट्रस्ट वापस जीत सकते हैं. उनको अभी भी सीरियसनेस समझ नहीं आ रही है कि आपको कितना हर्ट किया है, ठीक है. लेकिन हाँ, इनको बहुत ज्यादा इस बात का तो डर लग रहा है कि आप क्या सोचते हो, अब आप क्या सोचते हो उनको लेकर. इस बात का डर बहुत है इस पर्सन के अंदर. सो या, दैट वॉज इट. कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स, जरूर बताना. और नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा अगर आपको प्रोटेक्शन स्पेल जार या प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल लेना है तो. ओ माई गॉड, प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल या प्रोटेक्शन स्पेल जार की जो व्हाट्सएप नंबर है बुकिंग के लिए, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ना, किसी को वीडियो शेयर जरूर करना, एंड लाइक तो बिल्कुल किए बिना नहीं जाना है आपको. सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, लव यू.